हेलो दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं तो आपको यहां पे स्क्रीन पे एक ऑप्शन चेन जैसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसमें आपका डेल्टा थीटा गामा पीसीआर सी आर ओ देखने को मिल रहा है लेकिन ये आपका ऑप्शन चेन नहीं है अगर आप इसको ऑप्शन चेन समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर गलती करें ये आपका ऑप्शन चेन बिल्कुल नहीं है तो आप लोग सोच रहे हैं ये है क्या ये है आपका एक स्ट्रैडल चेन जो रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या ऐड कर लिया हमने यहाँ पर हमारा जो बेसिक ऑप्शन चेन होता है वो भी यहाँ पर हमने ऐड कर लिया यानी यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन चेन वर्सेस स्ट्रैडल चेन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में से कौन हमारे लिए बेहतर रिजल्ट देगा अगर हम ऑप्शन चेन के जगह पे स्ट्रैडल चेन यूज करते हैं तो क्या हमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे या फिर दोनों में से कौन बेहतर है वो यहां पे हम दोनों का कंपेरिजन करके आपको बताएंगे तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन की बात कर ले तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा ही और इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है तो ऑप्शन चेन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है ऑपे इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है चेंज इन ऑपे इंटरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ग्रीक हमें यहां भी देखने को मिलता है और यहां पे आपको दो चीज देखने को मिलता है एक साइड आपका कॉल रहता है दूसरी साइड आपका पुट रहता है दोनों का अलग अलग डेटा आपको यहां पे देखने को मिल जाता है लेकिन अगर हम स्ट्रेडल ऑप्शन चेन के बेसिक्स के ऊपर बात करें तो स्ट्राइक प्राइस तो यहां भी देखने को मिलता है अगर आप ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस ही होता है तो स्ट्राइक प्राइस आपको स्ट्रेडल चेन में भी देखने को मिलेगा देख सकते हैं यहां पे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा सेम स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल जाए ग्रीक आपको यहां भी देखने को मिलता है लेकिन यहां पे सबसे मेजर चेंजेस क्या है कि आपको यहां पे कॉल एंड पुट देखने को नहीं मिलेगा आपको पूरा का पूरा एक ही देखने को मिलेगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे कॉल पुट हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा होगा तो ये चीज अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रैडल का जो लिटरली मीनिंग होता है वो आपको समझना है स्ट्रैडल का लिटरली मीनिंग क्या होता है जो कि दोनों तरफ अवेलेबल हो जैसे कोई आपका एक नदी है नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है तो पुल क्या रहता है नदी के इस पार भी अवेलेबल है और नदी के इस पार भी अवेलेबल है तो यहां पे जो पुल बना हुआ है जो ब्रिज है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रैडल वैसे अगर हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में बात करें तो स्ट्रेडल वो होता है जो कि आपका कॉल साइड भी अवेलेबल हो और पुट साइड भी अवेलेबल यानी दोनों को एक साथ कंबाइन करके जो काम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेडल और अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा या उनके बारे में जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हेजिंग स्ट्रेटजी में स्ट्रेडल भी एक तरह का हेजिंग स्ट्रेटजी ही है तो अब यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं स्ट्राइक प्राइस तो दिया गया और यहां पे आपका एक स्ट्रेडल प्राइस दिया गया स्ट्रेडल प्राइस क्या होता है प्राइस होता है आपका उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल प्लस पुट दोनों का प्रीमियम ऐड करके कॉल का प्रीमियम प्लस पुट का प्रीमियम दोनों प्रीमियम ऐड करके यहाँ पे हमारा क्या निकलता है यहां पे हमारा निकलता है स्ट्रैडल प्राइस इसलिए यहां पे आपको कॉल और पुट अलग अलग देखने को नहीं मिल रहा अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आए और 18,700 के स्ट्राइक प्राइस को पिक किए तो ये आपका है 48 और इधर है आपका 72, 73 सेवेंटी पिक दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो यही आपका 120 के आसपास देखने को मिल रहा है तो यही आपका दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये आपका क्या कहला जाएगा एटीन का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये आपका बन जाएगा स्ट्रेडल प्राइस तो जो कि ऑप्शन चेन में हमें अलग अलग देखने को मिलता है लेकिन स्ट्रेडल चेन में दोनों हमें एक साथ ही देखने को मिल जाता है तो बेसिक डिफरेंसेस यही है कि यहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस तो देखने को मिलेगा और हर एक स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट आपको स्ट्रेडल प्राइस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको पी भी देखने को मिल जाएगा उस स्ट्राइक प्राइस का पुट कॉल रेशियो कितना है ये यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली हमें ऑप्शन चेन में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे आपको ओपे इंटरेस्ट चेंज इन ओपे इंटरेस्ट ये देखने को मिलेगा और इसके जगह पे जैसे हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें ओ आई चेंज इन ओ आई ये सारा कुछ देखने को मिलता है इसके अगेंस्ट स्ट्राटल चेन में क्या रहता है इसके अगेंस्ट स्ट्रैडल चेन में कंबाइंड हुआ है रहता है यानी दोनों साइड का मिला के एटीन के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट दोनों मिला के कितना ओपन इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट दिखाता है तो अब हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे इसके बेसिस पे हमें ट्रेड कब करना है और ऑप्शन चेन का इस्तेमाल हमें कब करना है ये यह आपको यहाँ पे सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन चेन का एक अलग इंपोर्टेंस है और स्ट्रेडल चेन का अलग इंपोर्टेंस है दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि ऑप्शन चेन हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और स्ट्रेडल चेन हमें एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे हम अलग एक स्ट्रैटी बना सकते हैं लेकिन ऑप्शन चेन का रिप्लेसमेंट वो नहीं है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रेडल चेन हमें मिलेगा कहां पे आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहूंगा मैं आ जाता हूं स्ट्रेडल चेन पे देख सकते हैं ये स्ट्रेडल चेन है और ये आपको मिलेगा कहां पे धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कैसे तो आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका धन में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको कोई ए भी पे नहीं करना होगा कोई एनुअल चार्ज पे करना नहीं होगा तो आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपका ए भी फ्री हो जाएगा तो इसलिए मैंने बोला कि ये सारा कुछ सर्विसेस डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिए गए हैं देख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक अलग सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही बना दिया गया है जहाँ पे आपको काफ़ी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डेटा शेयर किए जाते हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए हेल्पफुल रहता है और इन सारे डेटा की मदद से आप ऑप्शन ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इतना ही नहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे तरफ से यहाँ पे जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है ये कोर्स भी आपका टू ट्रिपल नाइन का ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो अगर आप इन सब का फायदा उठाना चाहते हैं तो धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके ये सारे सर्विसेज का फायदा आप उठा सकते हैं तो चलिए अब हम स्ट्रेडल चेन के बेसिस पे अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करेंगे ये आप मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन चेन के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना इसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं उसके ऊपर हमने मल्टीपल वीडियो बनाए इसलिए हम ऑप्शन चेन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं स्ट्रेडल चेन नया है इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये आपको समझना जरूरी है स्पेशली सबसे पहला काम होता है इसका एक्सपायरी डे के दिन एक्सपायरी डे के दिन आपको पता है कि सबसे पॉपुलर ट्रेड जो रहता है वो कौन सा रहता है हीरो जीरो तो हीरो जीरो में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है ये हीरो जीरो ट्रेड लेने में आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट आपको यहां पे जाना और यहीं पे आप क्लिक करके बाय और सेल ट्रेड आप ले सकते हैं यहीं से आप जाके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो सबसे पहला काम यहां पे हो जाता है एक्सपायरी डे के दिन आपको यहाँ पे कॉल पुट कंबाइंड मिल जाता है क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन जो हमारा हीरो जीरो ट्वेड रहता है बेसिकली स्ट्रेडल ट्रेड ही रहता है जहां पे हम क्या करते हैं स्ट्रेडल को बाय करते हैं यानी कॉल पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाई करते हैं तो आपको एक्सपायरी डे के दिन अलग से कॉल पुट बाई करने की जरूरत नहीं होगी एक बार कंबाइंड क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आपका एंट्री बन जाएगा दूसरा काम क्या रहता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट पार्टिकुलर एक रेंज में मूव करने वाला है तो क्या कर सकते हैं इसको आप सेल कर सकते हैं यानी स्ट्रेडल को यहां पे हम सेल कर देंगे तो ये हमें प्रॉफिट बना के देगा अगर मार्केट रेंज में रहा तो दूसरा अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई मेजर मोमेंटम आने वाला चाहे मोमेंटम अपसाइड की तरफ हो या डाउन की तरफ हो हमें उससे मतलब नहीं है ये आपका नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है मार्केट का डायरेक्शन किसी भी तरफ हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है रेंज बाउंड में मार्केट थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए हमें मतलब नहीं है लेकिन मार्केट आपका एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा सेल करोगे तो प्रॉफिट देगा अगर किसी भी तरफ ब्रेकआउट आने वाला है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेडल को बाई कर लेंगे तो स्ट्रेडल वो हमें बाइंग करने पर स्ट्रेडल हमें प्रॉफिट बना के देगा तो इस तरीके से आप स्ट्रेडल चेन का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन ऑप्शन चेन हमें इतना क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता स्ट्रेडल चेन हमें ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है तो यहां पे अगर हम स्ट्रेडल चेन की बात करें तो इसके लिए एक जबरदस्त एक स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा लेकिन उससे पहले आज आपका ट्यूसडे है और ट्यूसडे को एक्सपायरी किसका होता है फिर निफ्टी का होता है तो उससे पहले बता देना चाहूंगा कि एफएनओ में जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जो भी इंडाइसिस है इन सब का स्ट्रेडल चेन देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं देखिए बैंक निफ्टी का कंप्लीट स्ट्रेडल चेन आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे फिन निफ्टी पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिन निफ्टी का स्ट्रेडल चेन आपको देखने को मिल जाएगा अब फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी है तो यहाँ पे हमें स्ट्रेडल चेन के बेसिस पे हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा वो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे अगर आप चाहो तो एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड सेटअप भी तैयार कर सकते हो तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका पीसीआर है वो और कंबाइंड ओआ है यह हमें काफी क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है पीसीआर क्या है पुट साइड की तरफ ऑपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अब यहां पे देखिए अगर आपका पीसीआर 0.5 से कम आ रहा है दैट मीनस टू क्या है कि कॉल साइड की तरफ ऑपन इंटरेस्ट जितना है सॉरी पुट साइड की तरफ ऑपन इंटरेस्ट जितना है उसका डबल आपका कॉल साइड की तरफ ऑपन इंटरेस्ट यही मतलब है तभी आपका रिजल्ट जीरो से कम आ रहा है अगर आपका यही रिजल्ट टू से एव आ रहा डेट मीन टू इस केस में क्या होगा कॉल साइड की तरफ जितना ओपे इंटरेस्ट है उसका डबल आपका पुट साइड की तरफ ओपे इंटरेस्ट है तभी रिजल्ट जो है आपका टू से एव आ रहा तो हमें यही दो कंडीशन में काम करना है जब किसी एक तरफ ओपे इंटरेस्ट दूसरे से डबल हो या फिर उससे ज्यादा हो यानी तो हमें काम कब करना है? जब आपका पीसीआर 0.5 से कम हो या फिर टू से एव हो हमें वहीं पे खोजना है तो देखिए ऐसा कहां पे ये है आपका 3.65 जो कि आपका 19,300 है और 0.5 से कम 19,400 है ज्यादा हम आई पे जाएंगे नहीं और 19,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये तीन हमारे ए के आसपास देखने को मिल रहा है तो ये तीन लेवल हो गए हमारे हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए अगर इन तीनों में से कहीं पे भी प्राइस आता अभी प्राइस आपका 19,350 तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस आयदर नाइनटीन पे आए 400 पे आए या 500 हंड्रेड पर आए एक्जैक्ट इसके करीब पाँच दस पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा लेकिन एग्जैक्ट इसके करीब आना चाहिए तब यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने लिए एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस अभी 19,350 के करीब है तो यहाँ पे हमने हीरो जीरो ट्रेड क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे पीसीआर का ओपन इंटरेस्ट जीरो पॉइंट एट फाइव है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए जीरो पॉइंट फाइव से कम या फिर टू से एवर तो इसलिए हम इस स्ट्राइक प्राइस पे हीरो जीरो ट्रेड नहीं लेंगे अगर इन तीनों में से नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव तीनों में से किसी एक प्राइस के करीब आ जाए टाइम भी आपको देखना है आपका मैक्सिमम आप टू थर्टी तक वेट कर सकते हैं उससे पहले या फिर टू थर्टी तक आ गया तो ठीक है नहीं आया तो फिर हम हीरो जीरो ट्रेड एवॉइड कर देंगे तो ये स्ट्रैटी काफी सिंपल से आपको ध्यान रखना है बेस्ड ऑन पी है पीसीआर आपका जीरो पॉइंट फाइव से कम हो या फिर टू से एब हो एक्सपायरी डे के दिन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं जो भी स्ट्रेडल प्राइस देखने को मिल रहा है उस स्ट्रेडल प्राइस को आप यहां पे बाई कर सकते हैं लेकिन स्ट्राइक प्राइस के आसपास हमारा क्या होना चाहिए एटीएम होना चाहिए तब हम यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं और ये आपका जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आएगा उस दिन भी ये काम आप कर सकते हैं सो so, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे स्ट्रेडल चेन और ऑप्शन चेन के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा और ऑप्शन चेन मैंने आपको बता ही दिया कि क्रूशल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली हमें सपोर्ट एंड वेसिस्टेंस लेवल काफ़ी क्लरिटी के साथ प्रोवाइड करता है लेकिन सपोर्ट वेसिस्टेंस हमें यहाँ पे स्ट्राइडल चेन से डायरेक्टली नहीं मिलेगा आप यहां पे पीसीआर के बेसिस पे फाइन कर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके फाइन कर सकते हैं लेकिन ये डायरेक्ट हमें सपोर्ट सपोर्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है सो so, बस यही डिफरेंसेस है आपका स्ट्राइडल चेन और ऑप्शन चेन और दोनों का अपना इंपोर्टेंस है दोनों का अलग अलग इंपोर्टेंस है दोनों कोई दूसरे को ओवरटेक या रिप्लेस नहीं कर सकता है सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद